चुटुरती ठंड में रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में लोग सो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी जो एक साधारण चादर के सहारे ठंडी रात गुजारते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए समाज सेवी हाथ आगे बढ़ाने लगे हैं। नववर्ष से पहले सैकड़ों जरूरतमंदों को मोहन अग्रवाल ने कंबल वितरित किए तो उनके चेहरों पर खुशी के भाव नजर आए। फरुखाबाद विकास मंच के संस्थापक व समाजसेवी मोहन अग्रवाल ने शहर के टाउन हॉल छोटी कॉलोनी में एक मीटिंग का आयोजन कर कंबल वितरण किया। लगभग 4 सैकड़ा जरूरतमंदों को इसका लाभ दिया गया। मोहन अग्रवाल ने कहा कि कई वर्षों से यह कार्य करते चले आ रहे हैं, वह हमेशा ही गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए तत्पर हैं। इन चीज़ों का कोई चुनावी सरोकार नहीं है। कंबल वितरण का कार्य चाहे त्यौहार पर मिष्ठान वितरण का कार्य हो, वह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह सब करने की प्रेरणा उनके पिता से मिली है। राहुल जैन, अमन जैन, कोमल पांडे, संदीप गुप्ता, आयुष अवस्थी, संजीव पाल, नितिन गुप्ता, ऋषि गुप्ता आदि बड़ी संख्या में फरुखाबाद विकास मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उस सौभाग्य की वजह भी हमारे स्वर्गवासी पिताजी, जिनका नाम श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल है, वो बहुत ही हम लोगों को समाज के हित के लिए प्रेरित करते थे और स्वयं भी जो हमारे समाज का कमजोर वर्ग है उसकी बिना किसी अपेक्षा के अनवरत रूप से पूरे जीवन भर उन्होंने मदद की। तो उनके जो दिए हुए संस्कार हैं, हम लोग विभिन्न कार्य, आपको पता होगा कि फरुखाबाद विकास मंच के माध्यम से जो हम लोगों की संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग कई जगह पर पानी का कार्य करते हैं, पानी पिलाने का कार्य करते हैं, ठंडे पानी का। कभी कोई पढ़ने वाला बच्चा हो और उसको कोई फीस का या कॉपी किताब बस्ते की कोई समस्या होती है, उसमें भी हम सब लोग मदद करते हैं। और सर्दियों में काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग लोगों के बीच में जाकर कंबल का वितरण भी करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कंबल की गुणवत्ता भी देखकर हम लोग लेते हैं कि जिससे उनसे सर्दी बचे, ऐसा ना हो कि सिर्फ वो नाम के कंबल हो। विगत कई वर्षों से हम लोग शहर के जो भी कमजोर वर्गों की कॉलोनियां हैं, जहाँ पर आर्थिक रूप से थोड़ा सा कम सक्षम लोग रहते हैं, वहाँ पर हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में कंबलों का वितरण हर वर्ष सर्दियों में करते हैं। तो ऐसे इसी क्रम में हम लोगों ने पहले लाल दरवाजा पे जो कॉलोनी है, बंधुआ है, नारायणापुर है और मसेनी है, इसके आसपास जो शहर के आसपास कॉलोनियाँ थी, कई कॉलोनियों में हम लोग कंबल वितरण का कार्य विगत वर्षों में करते रहे। इस वर्ष जो है सर्दी में ये जिन कॉलोनियों में पहले नहीं, जिन जगहों पर हम लोग पहले नहीं गए, जिन उनको ढूंढकर चिन्हित करके ये कंबल वितरण का कार्यक्रम जारी रखें। आगे चुनाव के लिए क्या तैयारी, अगर सामान्य सीट होती है तब क्या करेंगे, या फिर अगर ओबीसी में जो है आचार संहिता जो है माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, सारा सुनवाई में है। अब 27 को निर्णय आएगा और स्वाभाविक बात है कि अगर निर्णय सामान्य में आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर निर्णय सामान्य में नहीं आता है तो सामाजिक सेवा तो हमारी अनवरत चलती थी, वो जारी रहेगी। क्या ओबीसी सीट रहने पे कहीं किसी को समर्थन करेंगे या लड़ाएंगे? जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ है नहीं ना ऐसा, जब ऐसा होगा तब विचार किया जाएगा। अच्छा, कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि मान लो सामान्य अगर सीट रहती है तो फिर किस पार्टी की ओर से आपने दावेदारी की है टिकट के लिए? सामान्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं तो अपनी पार्टी से ही दावेदारी की है, और पार्टी हम ही को ही टिकट देगी और किसको टिकट देगी? उम्मीद है आपको टिकट 100% हम ही को टिकट देगी। कई और लोगों ने भी आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी, वो सभी का अपना अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन हमको लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी उनमें से, तो हमको टिकट देगी पार्टी। बाय द वे, अगर टिकट नहीं मिल पाती है फिर क्या स्टैंड रहेगा? जैसा हमारे जो फरुखाबाद विकास मंच के हमारे साथी हैं, मित्र हैं और जो समाज के ये सब लोग हैं जो हमसे उम्मीदें रखते हैं, जैसा इनका निर्देश होगा फिर वैसा करेंगे। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ।
खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।